डेली लाइफ ऑफ अ फिल्म मेकर। सुबह सूरज के साथ मेरा भी सवेरा होता है। आँख खुलते ही सामने चाय और बिस्तर के नीचे चप्पल तैयार रहती है। एक गहरी सांस लेकर जैसे ही मैं अपने घर का पर्दा हटाता हूँ, नीचे भीड़ सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए खड़ी होती है। मेरे सिर्फ एक हाथ के इशारे को देखने के लिए लोग तरस जाते हैं। ये जो ड्रीमी वर्ल्ड होता है हर किसी का, ये सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है। रियलिटी में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो हर यूट्यूबर की सुबह किसी सेलिब्रिटी की तरह नहीं होती है। इट इज़ वेरी नॉर्मल, जस्ट लाइक यू एंड यू। हाँ, बट एक यूट्यूबर का दिन जरूर अलग होता है, स्पेशली व्हेन यू डू नॉट हैव अ जॉब एंड यूट्यूब इज द ओनली थिंग दैट यू डू, जैसे कि मैं। सुबह 9 बजे मेरी सुबह होती है और उठते ही सबसे पहले 10-15 मिनट तो मुझे लगते हैं अपने आप को उठाने के लिए, क्योंकि नींद बड़ी गहरी चीज़ है। फटाफट अपने ब्लैंकेट को लिपट के, अपने नॉर्मल डेली रूटीन्स करके, प्रॉब्ली कुछ देर अपने सोशल मीडिया को देख के, आई स्टार्ट माई डे विद अ हॉट कप ऑफ टी एंड पोहा। एंड अपने लाइफ का एक सिंपल असूल है बॉस, ब्रेकफास्ट हैवी करो, क्योंकि एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो बॉस, जब खाना पीना हो जावे उसके बाद मैं वक्त बिताता हूँ 2 घंटों के लिए, दैट इज फ्रॉम 9:30 to 11:30 विथ माई लव, विथ माई मोहब्बत। बताओ कौन है वो? ये खूबसूरत सा डिवाइस आपको दिख रहा है, छोटा सा, ये एक्चुअली छोटा नहीं, काफ़ी बड़ा है। तो ये मेरी असली मोहब्बत है, मेरी मोहब्बत, मैं और अब हम इश्क लड़ाने वाले। छी आप। लगभग 9:30 से लेके 11:30 तक आई वर्क ऑन माई PC, आई डू माई क्लाइंट वर्क, आई एडिट अ व्लॉग और सिंपली रीड समथिंग अबाउट यूट्यूब और सेल्फ ग्रोथ और मेकिंग मनी ऑनलाइन। एंड जस्ट लुक एट माई PC, कितना सुंदर है यार, इसको कोई क्यों ना देखे। तो अभी सुबह के बज रहे 11:30 एंड अपन ने नया ट्राइपॉड लिया, तो सीधी सी बात है इसको थोड़ा यूटिलाइज करना चाहिए अपने को। बाहर बारिश भी नहीं हो रही, तो अभी अपन जाएंगे टेरेस पे अपना ट्राइपॉड लेके और कुछ अच्छा वाला टाइम लैप्स लेके, क्योंकि बादल इंपॉर्टेंट है और जो टाइम लैप्स है वो अपने को कहीं ना कहीं यूज आने वाले फ्यूचर में तो ले लेना चाहिए, है ना? सही बात। और ये ट्राइपॉड नया है, डिजिटेक का, अच्छा गुड क्वालिटी ट्राइपॉड। कितना ज्यादा खूबसूरत मौसम है यार, आधे घंटे पहले धूप निकली थी, 1 घंटे पहले बहुत जोर से बारिश आ रही थी, अभी क्लाउडी हो गया, आधे घंटे में वापस बारिश आने वाली है, बट राइट नाउ इट इज़ सो गुड मैन। ऐसा 24 घंटे क्यों नहीं रहता है मुंबई में क्लाइमेट यार, ये मेरे को बैंगलोर की याद दिला रहा है क्लाइमेट। तो अच्छे खासे शॉर्ट्स ले लिए, अपना जो नया ट्राइपॉड है उसको भी शो ऑफ कर लिया। अब मेरे दिन का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे मज़ेदार पार्ट उसकी बारी है। बारिश थोड़ी कम हो जाए तो मैं बताऊँ आपको। तो यहाँ पे अपना मस्त वाला टाइम लैप्स शूट हो रहा है, बहुत सारे बादल है एंड राइट नाउ इट इज 3:30 इन द आफ्टरनून। और अभी अभी मस्त नहा के मैं बाहर निकला हूँ, लंच वगैरह किया, बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से। सोचा था थोड़ी देर सो जाऊंगा बट मेरी नींद पूरी उड़ गई है। सो आई एम गोइंग टू वॉच अ फिल्म वेलकम होम ऑन सोनी लिव। और मैंने बहुत सुना है ये फिल्म के बारे में कि मतलब इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड और ये 10-12 साल में एक ऐसी मूवी निकलती है, तो जब ऐसा इतना अच्छा रिव्यू है तो देखना तो बनता है बॉस। और वो डार्क मूवीज में मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा ही मतलब इंटरेस्ट है, तो मैं देखता हूँ और आप लोगों को फिर रिव्यूज बताऊंगा। 3:30 to 5:30, a 2-hour film which is a treat for every filmmaker. अबे ये क्या फिल्म है ये? I mean, ऐसा फिल्म मैंने लास्ट I don't know कब देखा था। मतलब I am a kind of a person who watches a lot of dark psychological films, specially जो Hollywood की होती है, and this film I feel India में पहली बार किसी ने ऐसा फिल्म बनाया है। अगर आपको टाइम मिले ना प्लीज़ ये फिल्म देखना। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल, इफ़ यू कैन नॉट वॉच अ लॉट ऑफ ब्लड एंड यू नो दैट सॉर्ट ऑफ कॉन्टेंट तो ये मत देखना, ये मत, आप लोग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट टू से यार, क्या फिल्म है ये? लाइक 1 घंटे के बाद जो
ऐसा हार्ट बीट आपका बढ़ जाएगा ना। क्यों नहीं देखी ये फिल्म, क्यों हाइप नहीं हुई है यार? ऐसे तो बहुत फालतू फालतू फिल्म्स है जो इतनी ज्यादा हाइप हो जाती है, बट दीज फिल्म्स दे शुड बी हाइप्ड यार। लोग इतना गाली देते हैं बॉलीवुड को, तो अगर उसको गाली देना बंद करके हम ऐसी फिल्म्स को अगर बढ़ावा देना, ट्रस्ट मी वो फालतू फिल्म्स नीचे आ जाएगी एंड दीज फिल्म्स विल वर्क यार। सिर्फ गिन चुन के ना थोड़े बहुत कैरेक्टर्स है एंड जो एक्टिंग कह लो, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, मेरा चैनल उसके रिलेटेड नहीं है, बट सिंस दिस वीडियो इज़ अबाउट फिल्म मेकिंग बॉस, दिस इज़ एक्चुअली वॉट अ फिल्म शुड लुक लाइक अगर आप कोई डार्क साइकोलॉजिकल ड्रामा बना रहे हो। तो यूजुअली अगर मेरा कुछ काम होता है, जब मैं बाहर जाके कोई फिल्म शूट करता हूँ या फिर बाहर जाके व्लॉग करता हूँ या मेरा कोई फ्रीलांस का काम होता है, तभी मेरा दिन अलग होता है। लेकिन आज सिंस आई एम होम फॉर द एंटायर डे, तो आई मेक श्योर कि यू नो आफ्टर 6-7 o'clock थोड़ा बहुत तो फिल्म मेकिंग के बारे में पढ़े ही पढ़े, बिकॉज जितना ज़्यादा मैं पढ़ूंगा उतना ज़्यादा मेरे को समझेगा और जितना ज़्यादा मेरे को समझेगा उतना मैं अपने व्लॉग्स में इंप्लीमेंट कर पाऊंगा और फिर धीरे धीरे अपनी ग्रोथ होगी। सो इफ यू वॉन्ट टू रीड एनीथिंग अबाउट फिल्म मेकिंग और एनीथिंग रिलेटेड टू फिल्म मेकिंग, द बेस्ट प्लेस टू गो इज विकी पीडिया बॉस, क्योंकि यहाँ पे देखो पूरा इन डेप्थ आपको बताया गया है अबाउट एवरीथिंग। आप सिनेमाटोग्राफी कह लो, आप लाइटिंग कह लो, एडिटिंग, स्पेशल इफेक्ट, साउंड, एंड यहाँ पे अगर नीचे जाओगे तो यहाँ पे प्रॉपर एक फिल्म मेकिंग का अलग टॉपिक भी है, सो यू कैन रीड एवरीथिंग ओवर योर। तो जितना भी अगर आपको थ्योरी का नॉलेज चाहिए ना, तो हमेशा विकीपीडिया पे जाओ, मैं हमेशा यही से पढ़ता हूँ एंड धीरे धीरे सीख रहे अपन भी जो आगे इम्प्लीमेंट होगा। तो जब मैं बैंगलोर से आया था, मैंने चेक किया था, मेरा वेट जो जनवरी फरवरी में काफ़ी कम हो गया था कम्पेयर टू द लास्ट लॉकडाउन, वो इस लॉकडाउन में और जुलाई के महीने में वापस से गेन हो गया है। तो जब से मैं आया हूँ तब से मैंने एक कसम खा ली है कि बॉस दिन में अपन 2 बार वर्कआउट करेंगे, सुबह जिम में, शाम को वॉकिंग या रनिंग या समथिंग लाइक दैट, बेसिकली कार्डियो शाम को और सुबह वेट ट्रेनिंग। तो मेरा वेट ट्रेनिंग तो आज सुबह हो गया, तो अभी मैं जाऊँगा थोड़ा पूरा वर्ल्ड ऐसा घूम के आऊँगा एंड साथ में अपन थोड़ा व्लॉग भी करेंगे, बिकॉज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन नाउ। तो कुछ दिन पहले मेरे को एक कॉमेंट आया था कि अमन और बारिश का एक अटूट बंधन है। आई फील ये सच है, क्योंकि सुबह से बारिश नहीं आई, ठीक है, धूप निकली थी और अब जैसे ही नीचे उतरा मैं बारिश आई, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, यू ऑल नो इट, बैंगलोर जाते टाइम भी हुआ, आते टाइम भी हुआ, बट ठीक है। तो कर लिया मेड वर्ली सी फेस, ऑल दो सी फेस पर जाना अलाउड नहीं है, 6 बजे के बाद अलाउ करते नहीं है, बट मेरे को तो 5 बजे भी नहीं कर रहे थे, तो वो ठीक है, अभी अलग ही सीन है। बट एनी वे, मैंने आज एक रील पे सॉन्ग सुना था इंस्टाग्राम रील पे, एंड मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लगा वो, दैट आई हैव मेड अ रील आउट ऑफ इट ऑन माई इंस्टाग्राम। तो जाओ और देखो, ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा अच्छा बना, मतलब पूरा निचोड़ के मेरा फिल्म मेकिंग का स्किल्स डाला है उसमें। जस्ट अभी मैंने रील डाला अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, तो जाके देख लो प्रॉपर। उसके अंदर मैंने फिल्म मेकिंग के काफ़ी सारे टेक्निक्स वगैरह यूज़ किए एंड म्यूज़िक भी बहुत, वन ऑफ माय फेवरेट म्यूजिक्स है जो आज ही मैंने सुना। बट एनीवे, अभी रात के 9 बज रहे एंड दैट्स व्हाट माय डेली रूटीन इज़ एज एन एस्पायरिंग फिल्म मेकर। तो जब मैं घर पे रहता हूँ तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि एवरी डे आई डू समथिंग जिससे मेरा फिल्म मेकिंग का जो टेक्निक है, जो स्किल्स है, वो थोड़ा बहुत बढ़ते रहे। तो अभी तो खैर 9 बज गए, काफ़ी रात हो गई है। व्हाट नाउ आई एम गोइंग टू डू इज़ कि ये जो मेरे जो सब अचीवमेंट्स है, इनको निकाल के मैं साफ करने वाला हूँ, बिकॉज बहुत टाइम से मैंने क्लीन अप किया नहीं है एंड मेरा जितना भी डेस्क है इसको पूरा क्लीन अप करूँगा, बिकॉज कल आई एम प्लानिंग टू शूट अनदर शॉर्ट फिल्म टाइप ऑफ समथिंग। अब पता नहीं करूँगा कि नहीं, बट ऐसा सोच रहा हूँ मैं, तो देखते हैं वो जैसा भी होएगा जो भी होएगा। एंड दिस इज द ट्राइपॉड दैट आई हैव बॉट, डिजीटेक का DTR 550 LW, अगर आपको चाहिए तो ले लो, बहुत ज्यादा अच्छा है। इतना ज्यादा स्टेबल था ना मेरा कैमरा इसके ऊपर, जो मेरा पुराना ट्राइपॉड था उसके ऊपर भी इतना स्टेबल नहीं था जितना इसके ऊपर था। तो थम्स अप टू डिजीटेक मैन, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं। अभी मैं इस व्लॉग को जाके एडिट करूंगा एकदम अच्छे से, आप लोग मेरे को कॉमेंट्स में बताओ कि आपको मेरा रूटीन कैसा लगा। कुछ ऐसा खास मैंने किया नहीं, बट एवरीथिंग दैट आई डिड टूडे इज समथिंग दैट आई लव डूइंग, और मैं रोज ऐसा ही करता हूँ। एंड ट्रस्ट मी, जब ऐसा होता है ना, आपका लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथ चलता है एंड आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो प्रॉब्लम दिखता नहीं, बट इट्स वेरी इजी फॉर यू। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप लोग में से कितने सारे लोग हो जिनको ऐसा ही रूटीन फॉलो करना है, एंड अपन मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक साइनिंग ऑफ, अमन जैन, शुक्रिया।